हाथ में झंडा एक में डोगा और मोदी सी जे शामी आ जा मार दूंगी तेरा डोगा क्या देता था उसका आगा आगे ना पछ पूरा और सुहासन और बच्चे पल्ला झंडा इनका चढ़ागा मेला शक्ति का और मोदी ने कह दिया गल्ला डंडा गल्ला झंडा और गल्ला पानी की शीशी तेरा नशा मरावांगे बुढ़ा की पसली बनाऊंगा बिजली के बिल माफ करूंगा वह करूंगा किसान का कर्जा माफ करूंगा किसान का कर्जा दूरा और दिला दिया बेबे को ने क्या करया सिर्फ यूं आई हूं मेरा एक छोटी ही बाछड़ी है और वह खावा है बाल मैं तो मोदी की डाडी था जो हमारी बाछड़ी ने वह भी नहीं छोड़ है आ गए हैं ट्रॉली पे हमारे साथ बहुत सी महिलाएं बाकी बात तो आपने अम्मा की है कुछ ये बताइए आपका उम्र अब आराम करने का है आप आंदोलन में आ गई आपका उम्र नहीं है आंदोलन करने ना आराम करने का था फिर मोदी जी ने दी नहीं एक हाथ में झंडा एक में डोगा और मोदी सी जे शामी आ जा मार दूंगी तेरा डोगा हैं मोदी जी बोलते हैं कि हम तो महिलाओं के लिए किसानों के लिए गरीबों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हम तो 26 जनवरी ना आड़े रहेंगे और झंडा चढ़ावांगे पल्ला मेला जाएंगी पाछे मारे भाई जाएंगे मारे बच्चे जाएंगे अम्मा आप कब तक ये लोग आंदोलन आप लोग करेंगे यहाँ पे करेंगे बेटा इतना नहीं मन लगा सरकार भी बोल रही कि हम कानून वापस नहीं करेंगे हाँ इतना नहीं वापस करेंगे छह महीने रुक जाएंगे बेटा हमने वोट दिए और सब सारा करा हमने क्या बेरा था मोदी ने झड़का होगा जमींदार ने इनके वो वोट काट सका है लेकिन सरकार तो बोल रही कि इससे किसान को नुकसान नहीं है और खासकर बोला जाए महिलाओं को दूर रहे इस आंदोलन से तो आप लोग महिला और सुहासन और बच्चे पल्ला झंडा इनका चढ़ागा मेला शक्ति का और मोदी ने कह दिया गल्ला डंडा गल्ला झंडा और गल्ला पानी की शीशी तेरा नशा मरावांगे और खट्टर के बारे में क्या कहेंगे आप लोग खट्टर की तो मूछ एक खाने की मूछ पाड़ेंगे आंटी खट्टर खट्टर के बारे में कुछ कहेंगे खट्टर ने हम दिल्ली बुला लिए हम घर जान जो के भी कोई घर कदे भी नहीं जानते जिंदगी में बस दिल्ली खट्टर बुला लिए घर के तो हमने छोड़ रखे हैं और दिल्ली में बैठे रहेंगे खट्टर बोल रहे हैं हम तो हरियाणा के किसानों के लिए काम करते हैं ना ना हमारे लिए कुछ नहीं करता कुछ भी नहीं करता किसान सरकार ये न्यू कह दिया भाई न्यू बता तीन जलातार यहां तेरी बुआ न्यू कह दिए राम के लिए काम बता रही है और तुम आउट क्या भी वोट नहीं देवांगे आग गए दुष्यंत ने भी कह दिया नन्ना ने भी कह दिए और तुलसा होने वो आ जाएगा अच्छा दुष्यंत चौटाला की बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने खट्टर का समर्थन किया है तो आप लोग उसे कभी बोलिए कि आप हमारा साथ है ये हमारे साथ हमने दिन रात एक कर दी दुष्यंत बुलाना में और युवा काम करिया उसने भाजपा में बाज के रल लिया हमने नु अहंगा नहीं लाया था भाजपा में रल करते रे हमने नु सोची रे मारा काम करेगा ज्यादा रलाया था देवीलाल का पोता था देवीलाल के काम देवीलाल का पोता क्या करिया उसने कुछ भी नहीं करिया बुढ़ा की पसली बनाऊंगा बिजली के बिल माफ करूंगा वह करूंगा किसान का कर्जा माफ करूंगा किसान का कर्जा दूरा और दिला दिया बेबे को ने क्या करिया कुछ नहीं करिया कहते हैं किसानों के लिए पैसा दिया गया है कभी नहीं दिया हमारा नहीं आया 5 रुपया भी 5 रुपया भी नहीं आए लॉकडाउन में पैसे नहीं मिले ना नहीं मिले 1 रुपया भी नहीं मिला अरे भैया 5 किलो गेहूं क्या बाबू तुम कहाँ हो किसान आंदोलन में आई हो अपना हक लेने के लिए किसान आंदोलन पढ़ती हो हाँ। कौन सी क्लास में फिफ्थ क्लास में और किसान आंदोलन में आ गई हो हाँ। क्या कहना चाहती हो मोदी से बड़ा बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं कहते हैं बच्चे देश दिल के सच्चे होते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते नहीं करते नहीं मोदी जी बोलते हैं कि हम बच्चों के बहुत मतलब करीब है बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए क्या कहोगे तुम लोग कि मैं भी कोने करता मोदी नहीं करते हैं क्या कहना चाहते हो मोदी जी से कुछ ना पढ़ाई करवांदा हम तो घर बैठे हैं क्या तुम क्या कहना चाहोगी मोदी तो कहते कि हम कमजोर है हम कमजोर नहीं है हम निडर है तीन बच्चा है और उन्हें तीन मन छोड़े सिर्फ लड़ाई खातिर बच्चों को छोड़ के हाँ बच्चा छोड़ के आए जमात एक तो 20 दिन का भी नहीं होया ये तुम बोलोगी क्या नाम है बेटा तुम्हारा महक यहाँ क्या करने आई हो मैं अपने हक मांगने आई हूँ
तुम्हारा हक कहाँ, मोदी जी बोले हम तो किसी का हक नहीं लिए हैं। नहीं उसने लिया है। लिए हैं तो क्या कहोगी अपने हक के लिए उनसे? लड़ेंगे अपने हक। कचड़े भी मोदी दिखेगा उड़े भी रोड़े मारेंगे। मोदी से हक मांग रही हो? क्या है वो, प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या क्या है वो? प्रधानमंत्री हैं तो कोई संदेश नहीं देना चाहोगी उनसे? यहाँ इस आंदोलन में बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। स्कूल के बालक पढ़ने दिए, कोरोना आ गई, काला धन आ गया, वो काला धन आया नहीं वापस? नहीं आया है, आ गया। सारे बूढ़े के 5-5 रुपए जोड़े सारे कटवाए दिए, सुअर ला दिया, बूढ़े बुढ़िया का कितने कितने जनसंख्या का हरियाणा में ज्यादा बच्चा हूँ, मुझसे ज्यादा बचेंगे जमा सुअर नहीं लगावा। काला धन वापस नहीं आया है? नहीं आया है ना। तू लोग वो दिए क्या तो नहीं करता, हक मांग रहे तो किसान। आप लोग इस आंदोलन में कब तक ऐसे करते रहेंगे आंदोलन? हम आंदोलन तब तक करते रहेंगे तब जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम जब तक अपना आंदोलन करते रहेंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, और यहाँ पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और लक्ष्य गाड़ देंगे। नहीं और भी महिलाएं हम लोग से बात करना चाहती हैं। क्या बोल रहे थे? हम न्यू चावा हाँ, जो मारा था ही उसने धोखा दिया है, वो धोखा उसने काल करेगा और इतना काल करेगा कोई सामान दिया नहीं है उसने। वो धोखा दिया, वो तो बोलते हैं हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं। वो क्या काम करा है वो हमने बकाकन है? अरे गाय ग्यारह में उसने छोटा को नहीं हाथ उसका खून तो दौड़े हमने। आप महिलाओं के इस आंदोलन में महिलाओं के लिए बोलते हैं हम काफी अधिकार दे दिए महिलाओं को, महिलाओं को अधिकार दे हो मारती कुछ नहीं दिया मोदी जी, अधिकार नहीं दिया कुछ नहीं दिया मारती क्या दिया खट्टर जी हैं कुछ खट्टर नहीं दिया मानस वो क्या देता उसका आगा आगना पच्छा पूड़ा है उसने क्या क्या कहता मर रोवा क्या 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 कहा उस नाम में वो तो सुनना खागड़ हो गया। अरे मुझका दाग लाना चाह वहाँ खट्टर मैं तो नुकारी हूँ, मैं तो दिल्ली आई हूँ ना, सिर्फ न्यू आई हूँ, मेरा एक छोटी ही बाछड़ी है और वह खा है बाल, मैं तो मोदी की डाडी था जो हमारी बाछड़ी ना वह भी नहीं छोटे वो भी खा काटेगी है कद्दे कर लो आप मुझसे दिन अपना घर डगर जावागे। कुछ क्या बोल रहे थे आप? कुछ मारिए था जब बैठा मोदी नारे हम मोदी ने मैं जैसे वो बार बार बोलते हैं कि महिला जैसे 3 तलाक का मुद्दा मुसलमानों के लिए उठाया गया था तो बोलते हैं कि हम तो महिलाओं को इतना पावर दे रहे हैं इतना सशक्त बना रहे हैं। क्या पावर दे दी मारती हूँ ये पैसे देते हैं रसोई घर में 2000 गवाह क्यों मारती हूँ झूठी झूठे बोल कर और वो बेखारी था हमने उसकी जोड़ी में गाल लिया है। अच्छा हाँ एक और नारे दिए गए थे हरियाणा से ही शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खुली मांग कर दी बोलना भाई हम तो अपना अकेले खचांगे आई समझ में बस हमने ठाणा ठा लिया ना तो लड़ाई पूरी लड़ांगे मोदी कितना चल रही है। मोदी जी बोला हम किसी का हक नहीं लिए गुमराह किया जा रहा है लोगों को। ना हम गुमराह नहीं हो रहे हम सारे पागल हैं वो ही उछाना है देख ले अंत तक ना जब सामी आओ दुनिया ने मनाओ बैठाओ बढ़ो कुछ भी करो लोग क्यों बैठे हैं इतनी बात इनका कहना है कि हम जब तक हमारा हक नहीं मिलता वापस हम वापस नहीं जाएंगे आंदोलन करते रहेंगे।